मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की चुनावी सभाएं शुरू हो गई है। जा इसी क्रम में सोमवार देर शाम कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शहर रोबोट चौराहे पर संबोधित किया। इस दौरान मंच पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, प्रदेश चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला सहित प्रत्याशी व कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेत्री ने मंच से आम जन को संबोधित से पहले भगवान खजराना गणेश के जयकारे लगाए। वही इंदौर के गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया और कहा कि गांधी जी के आंदोलन में जब उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, उस समय इंदौर से कई आंदोलनकारी उनके साथ थे और उन्होंने गांधी जी के आंदोलन को आगे बढ़ाया था। प्रियंका ने कहा कि देश के बड़े बड़े उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं, मध्य वर्गीय व्यापारी कमजोर होता जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने केवल 21 रोजगार दिए हैं, वही लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते चले गए, लेकिन चुनाव आने वाले थे तो दाम 400 रुपए कर दिए। इस सरकार ने 22,000 घोषणाएं की, लेकिन मुश्किल से 22 घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई है। वह बोली कि गांव की तरह गरीबी शहरों में भी बढ़ने लगी है। आज की राजनीति इस तरह हो चुकी है कि लोगों की उम्मीदें ही सरकार से कम हो गई है, क्योंकि आम जन को उसके जीवन की उपयोगी वस्तुओं के दामों में कमी सबसे ज्यादा जरूरी है। वह बोली कि मोदी जी कहते हैं कांग्रेसियों का खून खराब है, तो मैंने सोचा मोदी जी ने पैथोलॉजी लैब कब खोल ली। प्रियंका ने अपने भाषण में तमाम मुद्दों का जिक्र किया और भाजपा को जमकर आड़े हाथ लिया। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।